आपके पास काम नहीं है, आप जितनी देर 10 साल भी इधर आओ देते रहेंगे, आपको खर्चा मिलता रहेगा और आपका मेडिकल भी फ्री होगा। अच्छा जी, इधर की लाइफ अच्छी है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से मैं वापस जा रहा हूँ। तो कोई शादी कर लेता है, कोई कोई ना कोई तरीका निकाल के कोई। तो आप शादी कर लेते यहाँ पे? मैंने इधर शादी के बारे में जो है ना, मेरा पुलिस वगैरह पकड़ ले तो डिपोर्ट कर देती है क्या? कितनी सख्ती है यहाँ पे? अगर आप अनलीगली इधर एंट्री हो जाती है ना आपकी, पुलिस पकड़ेगी आपको, कैंप में भेज देगी। कैंप में आपका प्रोसीजर चलेगा, 3-4 माह 5 माह लगेंगे, उसके बाद आपको जो है ना एक फैक्ट्री में, बहुत ज़्यादा लड़के काम करते हैं, बेकरी में काम करते हैं, हर किस्म का काम तकरीबन जो आदमी चाहे ना, मैंने ये काम करना उसको ये मिल जाता है इधर काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। जिस तरह आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक में जाके मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो उनसे आपको मिलवाऊँ, उनसे बात करूँ, उनसे पूछूँ कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम फ्रांस से होते हुए जर्मनी पहुँचे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्या काम करते हैं, कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं और जर्मनी की लाइफ कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पहले तो अपना नाम बताएं। अरशाद अहमद। अरशाद, अरशाद भाई पाकिस्तान कहाँ से हैं? मंडी बोलदीन। मंडी से हैं माशाल्लाह। और यहाँ आए आपको कितनी देर हो गई है जर्मनी में? 6 साल हो गए हैं इधर मुझे। 6 साल हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान से निकले कितनी देर हो गई है? पाकिस्तान से तकरीबन 11 साल हो गए हैं। 11 साल हो गए हैं। पहले कहाँ रहे हैं? 5 साल ग्रीस में गुजारे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बने हैं आपके कि नहीं? नहीं बने अभी तक, नहीं बने 11 सालों में। 11 सालों में? अच्छा, 5 साल उधर गुजारे हैं, 6 साल अभी इधर हो गए हैं। पेपर अभी तक कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहे। अभी मैं तो वापस जा रहा हूँ यही सोच कर के, अगर पेपर ही नहीं बन रहे। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, डिवोर्स हुई मेरी हो गई है तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं डिवोर्स हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो ऐसे तो नहीं है कब तक इधर रहूँगा, पेपर होते तो आदमी आता जाता रहता, तो ऐसे मुश्किल है। अभी आप डिपोर्ट हो गए, हमेशा के लिए जा रहे हैं? हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये बड़ी मुश्किल होता है जी, एक बंदे ने 11 साल ज़िंदगी के गुजारे और इस उम्मीद पे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। और जर्मनी इस हवाले से बड़ा टफ इनके रूल्स हैं, कानून है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ईजीली नहीं बनते। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो यकीनन जानते होंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये बताया कि वर्कर की सैलरी जर्मनी में कितनी है, स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट इधर तकरीबन 1400-1500 जो है ना, टैक्स वैक्स काट कर जो आपको जेब में आनी है 1400-1500 इतनी आ जाती है। इतने आपको मिलने हैं? नॉर्मल जो है, नॉर्मल। सही है, इससे ज़्यादा भी है लेकिन जो स्टार्ट है यहां स्टार्ट इतनी है। सही है, यहाँ पे बगैर डॉक्यूमेंट्स के काम मिल जाता है? लोग करते हैं, मिल ही जाता लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाता है बगैर डॉक्यूमेंट। पैसे भी कम मिलते होंगे? पैसे ज़ाहिर बात है, फिर डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपको कम ही पैसे मिलने हैं। सही है, यहाँ पर आपको 6 साल हो गए हैं, ठीक है, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे क्या कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको दरपेश आई, जो मेजर है यहाँ पे, क्या इश्यूज़ है? एक ही मुश्किल है इधर जो है ना, डॉक्यूमेंट्स की, बाकी जो है ना इधर की लाइफ बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तानी लोगों को बासानी यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं? डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी को तकरीबन 100 में 10% जो है ना मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही चलते रहते हैं, प्रोसीजर ना ऐसे ही चलता रहता है भाई, एक्सेप्ट भी आप यहीं रह सकते, एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, ऐसे चलता रहता है यहाँ पर जितनी देर। फिर आदमी के चांस होते हैं, सो कोई शादी कर लेता है, कोई कोई ना कोई तरीका निकाल के कोई। तो आप शादी कर लेते यहाँ पे? मैंने इधर शादी के बारे में जो है ना, मेरा कोई जेन नहीं था इधर मैं शादी करूँ। कोशिश ही नहीं की है या? कोशिश नहीं की शादी के लिहाज से ना, अगर मैं कोशिश करता तब तो कोई चांस बन जाने। मुझे ये बताएं, अगर बंदा एक लीगल आता, इनलीगल आता जिस तरह आप आए हैं, पुलिस वगैरह पकड़ ले तो डिपोर्ट कर देती हैं क्या? कितनी सख्ती है यहाँ पे? अगर आप अनलीगली इधर एंट्री हो जाती है ना आपकी, पुलिस पकड़ेगी आपको, कैंप में भेज देगी। कैंप में आपका प्रोसीजर चलेगा, 3-4 माह 5 माह लगेंगे, उसके बाद आपको जो है ना एक कार्ड वगैरह दे देंगे वे इधर रहने के लिए, स्टे कार्ड। सही है, तो रिहाइश भी साथ में देंगे। ठीक
ये तुम्हारी रिहाइश है, उधर रहो, खाना वाना खाओ, फिर स्कूल भी भेजते हैं, आप स्कूल जाओ, जबान जो है ना वो सीखो। आपका केस पास नहीं होता। हाँ जी, और उस स्कूल जाओ, आप जब जबान सीख लेते हो उसके बाद आप जो है ना काम तलाश करके काम भी कर सकते हो। आपका मकसद है कि डिपोर्ट नहीं करते अगर पकड़ ले बासानी? नहीं नहीं, डिपोर्ट नहीं करते। और कौन से काम है ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ पे करते हैं? तकरीबन रेस्टोरेंट वगैरह में काफ़ी लड़के काम करते हैं, जैसे मैं डोनट शॉप पर काम करता हूँ, ऐसे भी बहुत पिज़्ज़ा शॉप हैं, इन पर काम करते हैं, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री तो इधर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लड़के काम करते हैं, बेकरी में काम करते हैं, हर किस्म का काम तकरीबन जो आदमी चाहे ना, मैंने ये काम करना उसको ये मिल जाता है इधर काम। बशर्ते ये कि डॉक्यूमेंट्स और जुबान आनी चाहिए। अगर आपको आपके पास डॉक्यूमेंट है ना तो आपको जुबान भी आती है, आपको कोई मुश्किल नहीं है इधर काम की। सही है। और अच्छी सैलरी, अगर आपको जुबान अच्छी आती है तो आपको ना अच्छी सैलरी भी अच्छी मिलेगी कोई काम स्टार्ट करते हो। चले मुझे ये बताएं, नॉर्मल एक बंदा जिसकी ये आप सैलरी बता रहे हैं, चले 1800 यूरो कर लें, यहाँ पे अमूमन मिलती होगी वर्कर को, ठीक है ना, 1800-2000, आप कितनी लेते हैं? मैं 1800 ही लेता हूँ। आप 1800 ही लेते हैं। आप सेविंग आपकी कितनी है महीने की? सेविंग तकरीबन मैं 1200 कर लेता हूँ। अच्छा अरशाद भाई, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हुनरमंद बंदा है ना उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, और उसकी सैलरी भी यकीनन ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या सूरत हाल, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा रेस्टोरेंट में कुक है उसकी क्या सैलरी है? हाँ, अगर कोई रेस्टोरेंट में कुक है, हर किस्म के खाने वाने बना सकता है वो, तो उसकी सैलरी जो है ना बहुत अच्छी है इधर, तकरीबन 4000 से 5000 तक है यूरो। अगर 5000 यूरो? हाँ जी। अच्छा, मेरा एक दोस्त था वो 4500 यूरो लेता था। सही है। वो बोलता है मैं आंखें बंद करके मुझे पकड़ा दो, ये चीज़ें बनानी है मैं आंखें बंद करके बना देता हूँ। उसका इतना एक्सपीरियंस था। हाँ जी, वो 4500 यूरो लेता, लेकिन इतने 4000 4500 3500 आपकी पिज्जे के अच्छे कोको तो आपको उधर भी जो ना तकरीबन 3500 3000 3500 पिज्जे का अगर अच्छा आप कारीगर हो तो मिल जाएगी। कोई मशवरा देना चाहें जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए? मशवरा यही है कि आएँ, आप लीगल आएँ, ये इधर की जो गवर्नमेंट है वो आदमी की हेल्प करती है, हर किस्म की हेल्प। आप आएंगे कैंप में भेजेंगे, कैंप वाले आपका प्रोसीजर होता है उधर, 2-3 माह लगें, 4-6 माह लगें उधर रखते हैं, उसके बाद आपको जो है ना वो स्टे कार्ड देकर रिहाइश पर भेज देते हैं, रिहाइश भी उनकी होती है गवर्नमेंट की। सही है। उधर आप रहो, फिर महीने का जो है ना 350-400 यूरो खर्चा देते रहते जब तक आप काम नहीं कोई तलाश कर लेते। ठीक ठीक ठीक। ये कितनी देर तक देते हैं? आपके पास काम नहीं है, आप जितनी देर 10 साल भी इधर देते रहेंगे आपको खर्चा मिलता रहेगा और आपका मेडिकल भी फ्री होगा। अच्छा जी, अच्छा अगर आप कैंप में हैं और 10 साल तक भी हैं तो कैंप से बाहर आकर ना, जैसे मेरा कैंप था इधर से आइजन होता है, स्टार्ट है दूर है इधर से ना तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र है, उधर से मैं मुझे उन्होंने भेजा इधर रतनाव गाँव है, उधर मेरा मकान था, एक कमरे में 2 लड़के रहते थे, तो आते ही उन्होंने मुझे लेटर भेजा भी तुमने ये वाली डेट को ना स्कूल जाना है, स्कूल शुरू करना है, उसके बाद ना जबान सीखनी है। मैं 3 माह स्कूल गया हूँ तकरीबन, मुझे ना गुजारा टाइप ना मैं करने लग पा, सीख ली थी जबान, उसके बाद मैंने काम तलाश किया। तो जब तक आप काम आपको नहीं ना मिलता, गवर्नमेंट आपको पैसा देती रहेगी, 350-400 यूरो इतना आता रहता है, चाहे आप गैर कानूनी भी आए, बेशक आप गैर कानूनी हैं, लेकिन इधर आके आपने इनसे रजू किया, आप अजील करवा असालम के लिए अप्लाई किया, असालम के लिए अप्लाई किया तो आप इधर लीगल हो गए, यानी कि वो आपकी जो दरख्वास्त है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और जब तक उस पे ऊपर कोई फैसला नहीं आता वो आपकी केयर करेंगे तमाम चीज़ों की, तमाम चीज़ों का, आपका मेडिकल फ्री होगा, आपको जो है ना हर माह 350-400 यूरो जो है ना आपका जेब खर्च मिलता रहेगा। सही है। जब आपको काम मिल जाता है तो वो पैसे ऑटोमेटिक जो है ना बंद हो जाते हैं, तो फिर आपने काम करना है तो खाना है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया अरशाद भाई। ये सो ये एक इन्फॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो थी हमारी जर्मनी से, ये थे अरशाद भाई। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पंजाब यूरो टीवी देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।